अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं मेरे किचन में बन रहा है बिरयानी, जो सबकी फेवरेट है, अक्सर घरों में बनती है, लेकिन मैं नई रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो चिकन है, ये देखें, 1 किलो चिकन, ये 4 बड़े प्याज ये मैंने काट लिए, 3 बड़े टमाटर ये काट लिए, 4 हरी मिर्च, और ये मसाले हैं सारे, लाल मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच सूखी मेथी, 1.5 चम्मच नमक, धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच कलवंजी। ठीक हो गया। और ये मैं आज बना रही हूँ टिक्का मसाला बिरयानी, ठीक है। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, ये थोड़े से आलू बुखारा खुश्क वाला मैंने धो लिया, और ये 2 चम्मच भर के टिक्का मसाला, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्लेम पहले से चलाया हुआ था, अब ये इसमें डाल लेंगी ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे प्याज, ये प्याज, प्याज हो गया, तब तक प्याज होता है हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, प्याली दही है, 1 किलो चिकन में 1 प्याली दही ये मैंने डाला, अदरक लहसुन पेस्ट ये भी डाल दिए इसमें, ये सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे डालूंगी, ये सब डाल दिए, और ये टिक्का मसाला ये डाल दिए। अब इसको करेंगे मिक्स। मिक्स कर लेंगे, तब तो वहाँ हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। सारे मसाले मिक्स हो गए, अब प्याज को देख लेते हैं। प्याज फ्राई होते हैं फिर बाकी मैं चीज़ें डालती हूँ। इसका कलर, ये प्याज हो गया, तकरीबन हो गया प्याज, कहीं कहीं से ब्राउन है, कहीं से, ये देखें तकरीबन हो गया प्याज। अब इसमें मैं ये डालूंगी टमाटर और हरी मिर्च, प्याज थोड़े से नरम हो गए तो फिर मैं ये चिकन डालूंगी। ये टमाटर है और ये प्याज है, दोनों चीज़ें नरम होंगी तो फिर मैं वो डालूंगी चिकन, ठीक। ये देखें टमाटर थोड़े मेल्ट हो गए, नरम हो गए। अब इसमें मैं डालूंगी ये चिकन, जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये डालूंगी। ठीक है, करेंगे मिक्स, ठीक है। मिक्स किया और इसको मैं चूल्हा थोड़ा ऐसा करूँगी, थोड़े से डाल दिए मैंने आलू बुखारा, ठीक है। अब मैं इसको कवर करूँगी, थोड़ी हीट हल्की करूँगी
ताकि थोड़ा सा मसाला गल जाए। ये देखिए ये देखें ऑयल का कलर, ये ऑयल आ गया ऊपर। अब हम चिकन को निकाल लेंगे और लेयर लगाएंगे। ये चावल मैंने पहले से बॉईल कर दिए टाइम की वजह से, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। पहले ही मैं चिकन निकाल लूँ। अब ये देखें मैंने चावल सारे डाल दिए, सारे चावल डल गए। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। ये आखिरी लेयर है, ठीक है। अब इसके टॉप पे मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ। हाफ कप मैंने दही ले लिया था, देखिए मैंने एक चम्मच जर्दा रंग है इसमें मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये मिक्स किया, ये डाला ऐसे करके डाला। ये मैंने थोड़ा सा अचार रखा हुआ है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर डालें। ये थोड़ा सा अचार पहली लेयर में भी लगाया था मैंने, ठीक है। अब ये पुदीना है तो एंड में टॉप पे लगेगा। ये हो गया, ये हो गया। और ये नींबू काट लिए थे मैंने स्लाइस पे, ये रख रही हूँ साथ। ये हो गया, ठीक है। ये नींबू डाल दिए। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी प्यारी ये बिरयानी लग रही है। खूबसूरती इसकी चेक करें आप। अभी मैं दम पे रखती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें अब मैं इसमें दम लगाने लगी हूँ। कोयला का धुआं देंगे, कोयला में पहले से मैंने गर्म कर लिया। ये सेंटर में इसकी जगह बनाएंगे। ये स्लाइस मैंने रखा है, आप रोटी का पीस रख लें या उसका प्याज का छिलका रख लें। ये देखें ये रखा मैंने कोयला, ये। अब ये देखिए इसमें स्मोक सारा अंदर जाएगा। अब मैं रखूँगी इसको दम पे, ठीक है, सही है। अब बाद में आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें अब मैं इसका दम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी खूबसूरती चेक करें। ये मैं कोयले को उठाऊंगी, करूंगी साइड पे कोयला और ये स्लाइस। अब इसको निकालेंगे, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसे ये देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त बनी है, आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं देख के, माशाल्लाह। मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स नीचे भी है इसका, एक लेयर नीचे भी लगाई थी ना, उसका मसाला भी ऊपर कर लेते हैं ऐसे। जब आपने मिक्स करना है तो उसको उठा के साइड पे करते जाना है ऐसे, ताकि आपके चावल टूटे ना ऐसे ऐसे करके, ये ठीक हो गया। ऐसी आप बिरयानी लाजमी अपने घर में बनाएं और सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा है, तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम मुझे आ रही है, ठीक है। आप बनाएं, ज़बरदस्त स्मेल आएगी, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी, जो देख के भूख लग जाती है। ये देखिए आप, ये देखें ये बिरयानी की आप शक्ल देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आज बिरयानी बनी, और एक नए रेसिपी के साथ मैंने आपको दिखाई टिक्का बिरयानी बारबेक्यू फ्लेवर, ठीक है। और ये साथ मैंने प्लेटर तैयार किया, ये देखें आप,
इसके साथ। ये मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, तो मेरी चीज़ों को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे बताया करें कि मेरी चीज़ें आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा ही बताऊँगी इंशाल्लाह। तो देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये पूरा साथ। मैं इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है डेकोरेशन ना, वो हर चीज़ में मैं करती हूँ। लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत, क्योंकि जगह कम होती है इतना हो नहीं सकता। तो देखिए अब आपको कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।